नमस्कार, जनता दरबार में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन शर्मा। खबरें एक झलक में, नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ब्रिक्स की 16वीं समिट रूस के कजान में हो रही है, जिसमें 28 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समिट की अध्यक्षता कर रहे हैं और पीएम मोदी आज भाषण देंगे। ब्रिक्स अब ग्लोबल जीडीपी में 27% हिस्सेदारी के साथ यूरोपियन यूनियन को पछाड़कर तीसरा सबसे ताकतवर आर्थिक संगठन बन चुका है। कर्नाटक में बेंगलुरु के भारी बारिश के कारण मंगलवार को 7 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। मलबे में फंसे 31 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 3 लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। डॉग स्क्वाड की मदद से मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। शिंदे गुट की शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपडी पाचपाखाडी से चुनाव लड़ेंगे। मंत्री उदय सामंत को रत्नागिरी से और सदानंद सरनवर को माहिम से उम्मीदवार बनाया गया है, जहां उनका मुकाबला अमित ठाकरे से होगा। महायुति ने अब तक 144 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिसमें भाजपा के 99 और शिंदे गुट के 45 उम्मीदवार शामिल हैं। धन्वंतरी जयंती पर जयपुर जिले में आरोग्य सप्ताह की शुरुआत हुई, जिसमें 29 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। मंगलवार को आयुर्वेद पर रोगी जागरूकता व्याख्यान आयोजित किया गया। नोडल प्रभारी डॉक्टर अंशुमान चतुर्वेदी ने बताया कि 24 अक्टूबर को महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जागरूकता एवं परामर्श कार्यक्रम आयोजित होगा। रायबरेली में करवा चौथ पर शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को गांव वालों ने पकड़कर बुरी तरह से पीटा और महिला के साथ भी बदसलूकी की। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रेमी और प्रेमिका को रस्सी से बांधकर पीटा जा रहा है और महिला से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस को घटना की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सीओ ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। क्षत्रिय गणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। शेखावत ने एक वीडियो जारी कर बताया कि यह घोषणा गुजरात से की गई है और उनका दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करवाई थी। मुंबई पुलिस ने एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर को पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस में 24 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। यह मामला ओटीटी प्लेटफॉर्म और बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 6 से जुड़ा है, जिसमें नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक दृश्य फिल्माने के आरोप लगे हैं। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने करण जौहर को पत्र लिखा है। पत्र में सुकेश ने जैकलिन के लिए धर्मा प्रोडक्शन से 50-70% हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जाहिर की है। सुकेश ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच कल से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शुरू होगा। पहले टेस्ट में भारत को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम का संयोजन वही रह सकता है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों में बदलाव संभव है। साक्षी मलिक की ऑटोबायोग्राफी विटनेस में किए गए खुलासों से विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने एशियाई गेम्स 2023 के ट्रायल्स में छूट ली थी। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बदौली के दोनों पक्षों का आरोप प्रत्यारोप से बचने की सलाह दी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।